नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एडिटेक मित्रा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माउस पॉइंटर को हाईलाइट कैसे करते हैं, और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्क्रीन पे कोई भी चीज अगर ड्रॉ करना हो वो कैसे करेंगे, और स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये सारा कुछ सीखना है तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। सीखो ऐसा जो काम आए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है हमने, वहां से आपको उस चीज को जो है डाउनलोड कर लेना है। ये जिप फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, सेम इस ये फाइल मेरा फोल्डर बना हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा सबसे पहले माउस पॉइंटर को हाईलाइट करने का, ठीक है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि माउस पॉइंटर को हाईलाइट कैसे करें। तो स्क्रीन पे आप देखिए, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो है विंडो 10 हाईलाइटर डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें ये सारा चीज बना हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एक एक करके सभी को रीनेम कर लेना है, ठीक है। तो मेरा बाकी तो रीनेम किया हुआ है, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो है ये दो चीजें जो है रीनेम करना छोड़ दिया है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और स्टार्टिंग में जो है हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से मैं जेड कर लेता हूँ और अंडर स्कोर कर देता हूँ और मैं एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा रीनेम हो गया है। अब इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे और स्टार्टिंग में जाएंगे। स्टार्टिंग में जाने के बाद जेड लगाएंगे और अंडर स्कोर लगाएंगे, एंटर कर देंगे। तो इस तरह से ये सारे चीज जो है रीनेम हो चुके हैं। तो दोस्तों जब ये सारे चीजें आपका रीनेम हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसे सभी को जो है जितना भी ये येलो ग्रीन स्क्रीन वाला ये जितना भी आप ये देख रहे हैं आप इतना को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना और इसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है दिस पीसी में जाना है, ठीक है। दिस पीसी में आप जाइए, उसके बाद जो है विंडो सी में जाइए, ठीक है। यानी कि आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद दोस्तों आपको विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है कर्सर में। कर्सर में यहाँ पे आपके सारे कर्सर पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको जो है सभी को आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से चेक टिक करके कंटिन्यू कर देंगे तो ये सभी चीजें जो है आपका इसमें जो है पेस्ट हो जाएगा और ये सभी चीजें जो है यहाँ पे नीचे में आपको शो होने लगेगा। चलिए इतना कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सर्च का है, यहाँ से जो हम लोग सर्च करते हैं कोई भी प्रोग्राम, यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। कंट्रोल पैनल या सर्च कर लीजिए, या तो सीधा आप यहाँ पे सर्च कीजिए माउस, माउस सर्च कीजिए, ठीक है। और यह है माउस सेटिंग, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे माउस सेटिंग पे। जैसे आप माउस सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एडिशनल माउस ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा माउस पॉइंटर, ठीक है। अब इसे आप क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिल गया आपको माउस पॉइंटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से आपको जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर लेना है और आपको नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आना स्क्रॉल करके, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इधर आप जो है इसको इस साइड रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल माउस पॉइंटर है, तो यहाँ पे ये वाला सिंपल माउस पॉइंटर है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल वाले की जगह पे आप सिंपल वाले का जो है सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये सिंपल वाला इस तरह से हो गया। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर से इसी तरह से नीचे आइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला जो आपको यहाँ पे कहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है, इसको आप ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से करके जो है सभी को जो है आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हैंड टूल वाला है, इसको मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
हैंड वाला है, यहाँ पे मैंने कर दिया ओपन पे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो है चेंज हो गया। मैंने तीन चार आपको करके दिखाया, बाकी आप कर लेंगे। उसके बाद सेव एज पे जाएंगे, उसके बाद लिख देंगे हाईलाइट, हाईलाइट लिख करके आपको जो है इसे सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी आप देख पा रहे कि हमारा माउस पॉइंटर जो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है माउस को हाईलाइट करना है। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि माउस को हाईलाइट कैसे करते हैं। तो आप देख पा रहे कि हमारा जो माउस हाईलाइटर जो है काम कर रहा है। अगर इन फ्यूचर मान लिया कि आप कोई भी ट्यूटोरियल या कोई भी चीज़ जो है रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं और फिर से आप नॉर्मल लाना चाहते हैं, तो नॉर्मल लाने के लिए दोस्तों बस आपको सिंपल सा वही करना है। यहाँ से आप माउस सेटिंग में फिर से जाएंगे। ठीक है, माउस लिखेंगे, माउस सेटिंग में आप जाएंगे और माउस सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही एडिशनल माउस ऑप्शन में जाना है, पॉइंटर में जाना है। पॉइंटर में यहाँ से आपने ये हाईलाइट करना होगा, तो जब भी तो आप इस पे आ जाएंगे। बाकी आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपका जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी रखना चाहें यहाँ पे करके अप्लाई कर देंगे तो ये जो है नॉर्मल हो जाएगा। और फिर से आपको अगर हाईलाइट करना होगा तो यहाँ से करके आप अप्लाई ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए मैं रहने देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीख लिया है कि माउस को हाईलाइट कैसे करते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अब जो है स्क्रीन पे ड्रॉ कैसे करते हैं, स्क्रीन को जो है जूम कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन को फॉलो कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है इसी में। अब यहाँ पे आपको जो है मैंने ये जो दिया है एक फोल्डर दिया है जूमीट का, आपको इसे क्या करना है कि कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दिस पीसी में आकर के आपको जो है सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे आपको जो है इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पेस्ट है तो यहाँ से आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए जूम इट का जो एक एक्सिफ फाइल है एक। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल नहीं करना है, बस आपको इसको जो है सेंड टू करके आप डेस्कटॉप पे आपको जो है एक शॉर्टकट क्रिएट बना कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका जैसे ये बन जाएगा तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना और इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाना है, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट कीज, यहाँ पे आपको कुछ भी जो है शॉर्टकट की दे देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है शॉर्टकट की मैं यहाँ से जो है नन कर देता हूँ, इस तरह से रहेगा। तो मैं कंट्रोल अल्ट और जेड मैंने यहाँ पे जो है शॉर्टकट की यहाँ पे मैं दे दूंगा, कंट्रोल अल्ट जेड। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं जब भी ये प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो रहा है कि मेरा ये ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे करके अप्लाई ओके कर देंगे तो इसमें शॉर्टकट लग जाएगा। अब आपको जब भी आपको करना होगा, अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना होगा या जो भी आप स्क्रीन पे जो पावर पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है कि बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसको आप चाहें तो अब जो है इसको कहीं पे रहने दें। ठीक है, अब आप जैसे ही कंट्रोल अल्ट जेड जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो क्या होगा कि ये आपका लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जो है आपको यहाँ पे दिया है कि जूम करने के लिए आप कौन सा बटन जो है सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेट कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए जो भी करना चाहें आप यहाँ पे जो है कीवर्ड्स जो है कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी रहता है। तो मैंने आपको जो है इसमें इंट्रक्शन के लिए एक जो है जूम इट का जो है यहाँ पे वर्ड फाइल दिया है, उसमें आपको सारा कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं जूम करना होता है तो कंट्रोल वन जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन जूम होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो भी चीज़ें मुझे दिखाना है तो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे ये जूम इन करना है और मुझे जैसे कि कुछ भी दिखाना है या यहाँ पे कुछ भी ये मान लिया यहाँ पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें हैं इसे ओपन करना है, तो इस तरह से मैं करके जहाँ पे भी माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा तो ये जूम होता जाएगा और इस तरह से ये सारा वर्क करता है। फिर से मैं कंट्रोल वन जैसे प्रेस करूँगा तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या एमएस वर्ड या कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो आप जैसे कंट्रोल वन करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, वो और इस तरह से जो है जूम हो जाएगा और इस तरह से जो भी चीज़ें करना होगा आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब मुझे जान लिया मान लिया जाए कि मुझे यहाँ पे कुछ भी जो है ड्रॉ करना है स्क्रीन पे, तो इसके लिए जो है आपको जो है ये मैनुअली तो ये होता है, बाकी मैंने अपना खुद का क्रिएट कर रखा है। शिफ्ट के साथ मैं जैसे डी प्रेस करूंगा तो माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से ये ड्रॉ करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे देखिए नॉर्मल ये ड्रॉ हो रहा है, यानी कि जैसे भी लिखना चाहो आप ऐसे जो है
पेन टैब से भी आप जो है जो भी चीजें आप कर सकते हैं। अब अगर रेड कलर में लिखना है तो मैं आर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे रेड कलर में लिखूंगा, बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, और ग्रीन जी प्रेस करूंगा, जी से ग्रीन तो ग्रीन से मैं लिख पाऊंगा, वाई से येल्लो, येल्लो करूंगा तो यहाँ पे मैं येल्लो पॉइंटर से लिख पाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो दोस्तों देखिए, अभी जब भी आपको स्क्रीन पे ड्रॉ करना होगा तो कंट्रोल को दबा के रखेंगे, और जैसे आप पहले तो जो आपने शॉर्टकट की बना रखा है स्क्रीन को पर ड्रॉ करने का, जैसे मैंने बना रखा है शिफ्ट के साथ डी, मैंने प्रेस किया तो ये जो है इस तरह से ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब चाहे तो अब जैसे मुझे इसे खत्म करना है तो स्किप में बटन प्रेस करूंगा तो ये जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है इस तरह से इस पे भी जहां पे भी एमएस वर्ड पावर पॉइंट जो भी हो, फिर से मैं शिफ्ट के साथ डी प्रेस करूंगा तो जो भी चाहे मैं लिख सकता हूँ, और जो भी कलर में चाहूँ, जैसे मैंने बताया आर से रेड और बी से ब्लू, ब्लू कलर में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं जो भी चीजें कर सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, अगर मैं के प्रेस कर दूंगा तो ये बिल्कुल ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, यानी मेरा स्क्रीन जो है बिल्कुल ब्लैक बोर्ड बन चुका है। अगर मैं इस पे वाई लिखूं और वाई से अगर इस पे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो इस ब्लैक बोर्ड का भी काम करेगा। इसकी प्रेस करूंगा ये सारा कुछ क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, आप जैसे देखिए दोस्तों, एक चीज और है, अगर आप कहीं पे ट्यूटोरियल बना रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट करना है तो आपको करना होगा शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये जो है बिल्कुल पॉइंटर हो जाएगा, जो कि आपके लिखने के काम आते हैं। और जैसे कंट्रोल के साथ आप अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो ये जो है बिल्कुल इस तरह से ये जो है हाईलाइट होगा। जैसे मैं आर प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, इस तरह से आप पावर पॉइंट पे हाईलाइट कर पाएंगे, यानी कि जो है उसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, और फिर से आप स्किप बटन प्रेस कर दीजिए, सारा कुछ गायब हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, अब जैसे जूम करना होगा तो मैंने जो भी कंट्रोल के साथ वन मैंने प्रेस किया तो इस तरह से जूम कर पाऊंगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारा कुछ जो भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो है आप देख पा रहे कि मैंने जो है OBS से जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, OBS में ये सारा कुछ जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इस तरह से आप लोग भी ये सारा चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अच्छा OBS में ये सारा कुछ जो मैंने कर रखा है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो फ्रेम है टीवी जैसा, और ये जो आप नीचे चल रहा है, ये टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, ये सारा कुछ का मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो मैं एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप ये सारा कुछ समझ जाएंगे और ये आप खुद से भी कर पाएंगे। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।